हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट 30 रोज में शाये की जाए, गैर जानिबदाराना और शफाफ ट्रायल किया जाए, लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म, रिपोर्ट की कॉपी मुतासरीन को फराहम करने की हिदायत, पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, पंजाब हुकूमत के वजीर मजहबी अमूर ज़ईन कादरी का ऐलान, कहा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट गैर हतमी और नामुकम्मल है इसलिए मंजर आम पर नहीं ला रहे। कहीं भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे कानून की जंग को जब तक इंशाल्लाह ये फांसी नहीं चढ़ते ये जो जिम्मेदारान हैं, और कातिल लोग जेलों में नहीं जाते और फांसी नहीं चढ़ते जैसे जैसे जिसका किरदार है कानून के मुताबिक वो अपने अंजाम तक। कानून की कुव्वत से हुक्मरानों का गला पकड़ेंगे, ताहिरुल कादरी का ऐलान, कहा फैसले से अदालती वकार बुलंद हुआ, हुकूमत से खैर की तवक्को नहीं। शरीफों का सियासी पोस्टमार्टम होगा, उनके पास सियासत की मजीद गुंजाइश नहीं, 30 दिन का वक्त जबरदस्त है, इस दौरान हुदैबिया का फैसला भी हो जाएगा, शेख रशीद का मौकफ नई मुलाक, कहते हैं सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं, वो बहुत अरसे से रिपोर्ट छुपा रहे थे। नवाज शरीफ को इसलिए निकाला कि वो मेड इन पाकिस्तान है, अवाम पर अब वही राज करेगा जो मेड इन पाकिस्तान है, नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, जेआईटी के सरबरा वाजिद जिया पर करप्शन में मुलव्वस होने का इल्जाम भी लगा दिया। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत, नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट से मरियम सफदर और दीगर को जारी चेक्स की तफसीलात पेश, इस्तगासा के गवाह का बयान रिकॉर्ड। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुलसुम नवाज की तीमारदारी के लिए लंदन चले गए, नवाज शरीफ को 12 दिसंबर जबकि मरियम नवाज को 15 दिसंबर तक हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल है। पीपल्स पार्टी 50वीं औम तासीस पर इस्लामाबाद में भरपूर सियासी शो के लिए तैयार, परेड ग्राउंड पार्टी परचमों और बैनर से सज गया, आसिफ जरदारी और बिलावल खिताब करेंगे। रोज अरबों गैलन गंदा पानी समंदर में फेंका जा रहा है, इस मामले पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इंसानी जानों और मेरे बच्चों की सेहत का मामला है, अफसरान अपना किबला दुरुस्त कर लें, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के माहौलियाती आलूगी केस में रिमार्क्स। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से अवाम की जिंदगी अजीरन, कुलगाम में भारतीय फौजियों ने घर पर धावा बोल दिया, 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय पुलिस अफसर ने मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट का भांडा फोड़ दिया, कहा कश्मीर में कोई दहशतगर्द नहीं, रवा साल 200 कश्मीरियों को दहशतगर्द करार देकर मौत के घाट उतारना भारत की इज्तिमाई नाकामी है। भारत सीज फायर की खिलाफ वर्जी बंद करे, ख्वाजा आसिफ का भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज से खत में मुतालबा, कहा भारत ने रवा साल 1300 बार आबादियों पर फायरिंग की जिससे 52 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए, ये भी कहा कि भारत बिलाश्तियाल फायरिंग करता है, पाकिस्तानी फौज सिर्फ जवाबी कार्रवाई करती है। अमरीका ने मकबूजा बैतुलमकदस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम किया तो इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे, तुर्क सदर का इंतबाह, कहा अगर ऐसा हुआ तो अमन की कोशिशें भी नाकाम होंगी।